रवि कुमार। बारी बारी हैट्रिक विकेट लेके क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार परस्ते और आपका स्वागत करता हूं वीएस परस्ते ब्लॉग्स में। और मैं यहां पर आया हूं अपने टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए, रेड बॉल क्रिकेट मैच खेलने के लिए। और जैसा कि ये गंजरा ग्राम पंचायत उमरिया के अंतर्गत आता है और गांव है गंजरा, और गंजरा में हमने सभी दोस्तों यहां पर क्रिकेट खेलने आए हैं। अब देखते हैं यहां पर क्रिकेट का क्या है। और इस तरीके से मेरे साइड देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा। और मेरे ठीक बगल पे ये तालाब, और मैं यहाँ जाऊंगा और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मैच का आयोजन चल रहा है। और मैच किस तरीके से है ये देखते हैं। सेकंड मैच है हम लोगों का, और इस मैच में देखते हैं क्या है। और इस तरीके से यहाँ पर मैच आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं वहीं जाने का कोशिश करूँगा। और इस तरीके से नज़ारा यहाँ पर बहुत ही शानदार खूबसूरत। और ये यहाँ पर तालाब, थोड़ी ही देर में मैं परिचित कराऊंगा अपने सभी दोस्तों से। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ क्रिकेट मैदान पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ वीएस परस्ते चैनल ब्लॉग्स पर। और जैसा कि मैं यहाँ पर गंजरा जहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, इस दौरान पाखाटोला वर्सेज पिंडरुखी का, और मेरे ठीक पीछे या फिर यूं कहूं कि आगे गंजरा टीम कमेंट्री बॉक्स, जो कि यहां पर स्कोरर शफल, और हमारे गंजरा टीम से दिगंबर सिंह पट्टा, जो कि आज खिलाड़ी के रूप में नहीं कोच के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। और यहां पर सभी फैमिली गंजरा कमेंट्री बॉक्स, और इस तरह से कमेंट्री बॉक्स से ऑल आउट, और पिंडरुखी टीम विजेता हुई और चिल्लाते हुए। और मैं आज के कैप्टन और कैप्टेंसी मिलवाना चाहूँगा यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये है पिंडरुखी टीम, और इससे ठीक पीछे अभी वहाँ पर दर्शक और हमारी पिंडरुखी टीम से खिलाड़ी, और 30 रनों से यहां पर पिंडरुखी टीम देवेन सिंह और गोविंद, और हैट्रिक मैन यहां पर हमारे महेंद्र कुमार पाटिल, ये रवि कुमार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, और हमारे हैट्रिक मैन महेंद्र पाटिल पिंडरुखी वर्सेज और पाखाटोला। तो पिंडरुखी का जो बॉलर है महेंद्र पाटिल, इस हैट्रिक बॉल या फिर इस ओवर पे हैट्रिक बॉल लेके, हैट्रिक विकेट लेके क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, हैट्रिक लेके मेरे को बहुत मजा आया, और अपने टीम के लिए मेरे को जो करना था वो किया मैं, है ना। और टीम की ही वजह से मैं खेलता हूँ, है ना, और टीम की वजह से टीम में शांति। और विजेता टीम पिंडरुखी से कैप्टन से मैं कहना चाहूँगा, और या फिर कुछ सवाल हैं उनके कि आज का ये मैच जीत के कैसे खुशी महसूस हुआ आपको? जीत के बहुत अच्छा लगा, हमारे पूरे टीम का प्रयास रहा अच्छा खासा, फील्डिंग भी बेहतर रहा, इसीलिए हम लोगों को जीत हुआ। वैसे स्कोरिंग तो कम था, 67 का लक्ष्य दिए थे हम लोग, बाकी हम लोगों की जो टीम सहित और साथ ही शानदार बॉलिंग की वजह से। ओके, थैंक यू। पिंडरुखी टीम से वाइस कैप्टन देवेंद्र शेह परस्ते, माफ कीजिएगा, देवेंद्र कुमार परस्ते, इस जीत के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? इस जीत से हम बहुत खुश हैं, और फिर हमारे जो भी अगले मैच, मतलब पिछले मैच में हमने जो गलतियाँ की थी वो हमें सुधारने का मौका मिला, और फिर जो हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो अच्छे से खेले, और अगले मैच के लिए भी अच्छा से सहयोग प्रदान। और आज के मैच में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैच आपके द्वारा शानदार, और बहुत ही शानदार डाइव लगाकर या पीछे जाती हुई गेंद को आपने पीछे दौड़कर कैच किया, इसके बारे में कुछ? हाँ, ये तो मेरा पुराना कैच है। हाँ, मैं मतलब जब भी खेलता हूँ तो अपना 100% परफॉर्मेंस देता हूँ मैं। थैंक यू, वाइस कैप्टन।
नमस्कार। चलिए मैं एक बार फिर पीएससी टीम पिंडुकी से मैं सभी खिलाड़ियों से मिलना चाहूँगा और उनका जो है इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ सबसे पहले इधर से लाइनअप करता हूँ जी। हाँ, मैं दिगंबर सिंह पट्टा पीएससी टीम से। ये है कि मैं इस टीम का पुराने मतलब कि कैप्टन हूँ। मेरे हिसाब से जो बताया जा रहा है उस हिसाब से लड़के हमारे खिलाड़ी साथी खेल रहे हैं, बाकी तो सब सामने दिखा है रिजल्ट। जी जी। यशवंत मसराम पीएससी टीम। मैं पीएससी टीम का खिलाड़ी कुलदीप कुमार परस्ते। मैं पीएससी टीम का खिलाड़ी राहुल कुमार साहू। रवि कुमार। महेंद्र कुमार पाटिल। पूरन दास पाटिल। अंकित कुमार साहू। महेंद्र कुमार साहू। गोविंद सिंह राम। रवि कुमार साहू। श्याम चरण कुशवाहा। देवेंद्र कुमार परस्ते। मैं पीएससी टीम का। और मैं हूँ विकास कुमार परस्ते, इनके साथ हमारी पूरी टीम के साथ। और कृपया वी एस परस्ते चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, दबाना ना भूलें। थैंक यू।